Now we are going to learn a new letter of cursive writing. अब हम एक नया लेटर सीखेंगे जिसका प्रारंभ हम स्लैंटिंग लाइन से करते हैं। ये आपने स्लैंटिंग लाइन बनाई, ऊपर लेकर गए और इसको लेफ्ट हैंड के साइड से स्ट्रेट लाके एक कर्व बनाना है। दिस इज स्मॉल एल, ये स्लैंटिंग लाइन, टर्न इट एंड मेक अ कर्व। दिस इज स्मॉल एल, ये आपका क्या बन गया, स्मॉल एल बन गया। स्लैंटिंग लाइन ऊपर लेके जाना है और उल्टे हाथ की तरफ से स्ट्रेट लाइन लाना है और ये कर्व बनाना है। ये क्या बनाया आपने, यू आर मेकिंग स्मॉल एल। हम ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले लेसन में स्लैंटिंग लाइन लिखने का अभ्यास कर चुके हैं। आपका हाथ स्लैंटिंग लाइन नीचे से ऊपर आएगा, फिर लेफ्ट हैंड से टर्न स्ट्रेट लाइन लाइन तक लाना है और ये टर्न करके कर्व बनाना है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक स्मॉल एल। आप इस प्रकार से स्मॉल एल लिखने का अभ्यास करेंगे। फिर से देखिए, मेक अ स्लैंटिंग लाइन, टर्न इट, मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड अगेन अ टेल। मेक अ स्लैंटिंग लाइन, टर्न इट टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड, मेक अ स्ट्रिंग, टच इट एंड मेक अ स्मॉल स्लैंटिंग लाइन। दिस इज स्मॉल एल, सी इट अगेन। बार बार देखिए और अभ्यास कीजिए। क्या बना रहे हैं आप, आप बना रहे हैं स्मॉल एल, स्मॉल एल, स्मॉल एल, स्मॉल एल। इसको आपको कितने पेजेस का अभ्यास करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस टू पेजेस। हाउ मेनी पेजेस, टू पेजेस, दो पेज इसका अभ्यास करेंगे। जब आप इसका अभ्यास दो पेज तक कर लेंगे, देन योर नेक्स्ट लेसन इज यू हैव टू राइट दिस एल थ्री टाइम्स टूगेदर। आपको यही एल को तीन बार लिखने का अभ्यास करना है। फिर से देखेंगे, आपने एक एल बनाया स्लैंटिंग लाइन, पीछे से घुमा के लाइन को टच किया और ये जो आपने छोटा सा कर्व बनाया था यहीं से ऊपर लेके जाना है, पीछे से लाके एल और तीसरी बार फिर ऊपर लेके जाना है और ये एल। इस प्रकार आप तीन एल एक साथ बनाने का प्रयास करेंगे। फिर से देखिए, तीनों की आकृति एक जैसी होना चाहिए। स्लैंटिंग लाइन, पीछे से घुमा के स्ट्रेट लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर घुमा के स्ट्रेट लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन एंड टर्न इट टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड अ स्मॉल कर्व। ये आपने पेपर पे पेन रखने के बाद तीन बार एल की आकृति को एक साथ बनाना है, बिना जोड़ लगाए और बिना हाथ उठाए। फिर से देखिए, वन एल, टू एल एंड थ्री एल, तीन एल एक साथ बनाने का आपको प्रयास करना है। वन, टू एंड थ्री, आई एम शोइंग यू अगेन, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। वन, टू एंड थ्री, हाथ को पेपर से उठाना नहीं है और इसमें जोड़ भी नहीं लगाना। इस प्रकार अभ्यास करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कर्सिव राइटिंग सीखने का, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। व्हेन यू आर राइटिंग, लिखते समय आपको चेक करना है कि लाइन के नीचे आकृति तो नहीं निकल रही या ऊपर तीनों एक आकार में बन रहे हैं या नहीं। लाइन खींच के चेक करेंगे कि तीनों की हाइट एक बराबर है या नहीं। यदि ऊपर नीचे बन रहे हैं तो आपको फिर से बनाने का अभ्यास करना है। दिस ऑल्सो यू विल राइट टू पेजेस, ये आपका होमवर्क है, इसको भी आपको दो पेज लिखकर अभ्यास करना है। दिस इज योर होमवर्क।